सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। जी हां दोस्तों, 3 तारीख कल गई, कल 4 आईपीओ की एंट्री हुई और ऑलमोस्ट सबके पैसे डूबने हो गए। जी हां दोस्तों, 90% तो कोई 120% के मुनाफे के साथ लिस्ट हुआ। वैसे ही आज हुई 4 तारीख और आज भी 3 आईपीओ ने धांसू एंट्री जो है वो कर दी है। जी हां दोस्तों, आज भी 3 आईपीओ का लिस्टिंग हुआ और आज 2 नए आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट होने वाले आईपीओ का अगर मैं बात करूँ तो पैरामेट्रिक्स टेक्स का आईपीओ जो है वो आज ओपन हुआ। 4% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग के बाद इसमें अपर सर्किट लग गई और लगातार बड़ा होना था, लेकिन रिवेन्यू काफ़ी फीकी रही। एरॉन कंपोजिट आईपीओ की भी आज लिस्टिंग हुई, उसका शेयर भी 20% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ और 41 गुना भरा गया था ये इश्यू। उसी के साथ इको मोबिलिटीज का आईपीओ भी आज लिस्ट हुआ। कार रेंटल की धांसू लिस्टिंग हुई 17% के प्रीमियम पर, ये भी लिस्ट हुआ और अभी अपर सर्किट पर इसका शेयर चल रहा है। दोस्तों ये तो बात थी लिस्टिंग की, लेकिन 4 तारीख आज 2 आईपीओ जो है वो ओपन हुए, उसमें से एक का नाम है मैच कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट का आईपीओ, जिसका डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी हमने दे दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा आईपीओ है नमो ईवेस्ट का, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जाने अगर इस कंपनी की डिटेल तो नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ई वेस्ट के कलेक्शन, डिस्पोजेबल एंड रिसाइकलिंग के लिए सर्विसेज ऑफर करता है। नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, फोन, वॉशिंग मशीन, पंखे आदि का रिसाइकलिंग के लिए व्यापक सेवाएँ प्रदान करता है। अब नजर डालें इसके आईपीओ की डिटेल्स पर, तो आईपीओ 4 सितंबर यानी आज से ओपन होगा, 6 सितंबर तक आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। आईपीओ का साइज जो है वो 51.20 करोड़ रुपए तय किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट फ्रेश इश्यू होने वाला है। इसमें OFS नहीं होगा, इसमें फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर, प्राइस बैंड इसका 80 से लेके 85 रुपीज़ तय किया गया है, रिटर्न कोटा 35%, UIBS के लिए 50% और NII के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। SME सेगमेंट का ही आईपीओ होने वाला है, सो इसमें लॉट साइज 1600 शेयरों की तय की गई है। एज ए इन्वेस्टर आपको इसमें 1,36,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बात करें GMP की डिमांड की, तो जी हाँ, SME सेक्टर में अभी धूम मची हुई है। जितने भी SME सेगमेंट के आईपीओ आ रहे हैं सबकी GMP बढ़िया चल रही है। इसकी GMP 59% पर गेन कर रही है, 50 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है और यही GMP चलती रही तो आपको इससे 59% का मुनाफा तो मिल ही सकता है। पर दोस्तों आप सब जानते हैं ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ये डे बाय डे अपडेट होता रहता है, मार्केट सेंटिमेंट पर ये डिपेंड होता है। पर आपको इसकी डे बाय डे अपडेट जाननी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दी है, वहाँ पर जाके आप इस कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर सकते हो, वो भी डे बाय डे। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी हमें जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी आईपीओ के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। या दोस्तों बात करें इसके अलॉटमेंट इसके लिस्टिंग की, तो इसका अलॉटमेंट आपको 9 सितंबर को मिल सकता है, वही 11 सितंबर को आईपीओ मार्केट में लिस्ट भी हो सकता है। अब बात करें इसके रजिस्ट्रार की, तो वासिंता सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पर जाके आप आपका अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। बात करें कंपनी के प्रमोटर की, तो अक्षय जैन और रचना जैन ये दोनों इस कंपनी के प्रमोटर है। वह इसके लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर्स के तौर पर हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड को तय किया गया है। दोस्तों नजर डालें इस आईपीओ की वैल्यूएशन पर, तो इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 4.33 पर इक्विटी शेयर है, इसके रिटर्न और नेट पर जो है वो 19.37% है और इसकी NAV यानी जो नेट एसेट वैल्यू है वो 22.38 पर इक्विटी शेयर तय की गई है। फाइनली नजर डालें कि आखिरकार ये कंपनी प्रॉफिट क्या कमा रही है, तो चेक करें इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 1.81 करोड़ रुपए था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़ के 2.42 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसके प्रॉफिट में और बढ़ोतरी हुई, ये पहुँच गया 6.83 करोड़ रुपये पर। दोस्तों 1 करोड़ से 2 करोड़ और 2 करोड़ से सीधा 6 करोड़, फाइनेंशियली तो इसने स्टेबली ग्रोथ किया है, बड़ी छलांग लगा दी है। और हम सब जानते हैं कि SME सेगमेंट में जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उसके लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो काफ़ी बढ़िया होता है। उसी के रिगार्डिंग अभी से भी नए रूल्स भी ला रहे हैं
और वो सभी अपडेट हम आपको देते रहेंगे हमारी आईपीओ वॉच की चैनल के थ्रू। बात करें रिव्यू की तो जी हाँ, बढ़िया जीएमपी यूनिक बिजनेस मॉडल और साथ ही में एक और बढ़िया आईपीओ ओपन हो रहा है, यानी दो ऑप्शन आपके लिए है। दोनों की जीएमपी बढ़िया चल रही है, दूसरे आईपीओ की तो जीएमपी 90% पर ट्रेंड कर रही है। जी हाँ, यानी दोनों आईपीओ बढ़िया है, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा आप किस आईपीओ को लेकर एक्साइटेड हो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करना, और ऐसी आईपीओ की अपडेट अगर आपको मिस नहीं करनी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।